नमस्कार मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइट अब देखिए डिम्पल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है उनके साथ अखिलेश यादव मौजूद थे पूरा परिवार मौजूद था शिवपाल यादव के अब देखिए शिवपाल यादव के नाम पर उनके बेटे आदित्य यादव के नाम पर काफी कयास और लटकले लगाए जा रहे थे लेकिन खबर देखिए ये आ रही है कि डिम्पल यादव ने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया था पर्चा पूरा भरा था उसमें उनकी संपत्ति जो है वो ऐसी बताई थी कि आपको के होश उठ जाएंगे क्योंकि डिंपल यादव देखिए कोई भी कारोबार नहीं करती है क्योंकि जो कुछ मिला है मुलायम सिंह यादव से मिला है उनको अपनी फैमिली से मिला है अब देखिए कितनी संपत्ति दिखाई थी संपत्ति उन्होंने दिखाई थी अपनी चौदह करोड़ रुपए जी हां चौदह करोड़ रुपए डिम्पल यादव ने अपनी चल अचल संपत्ति दिखा रखी है और जिसमें देखिए कोई भी गाड़ियाँ शामिल नहीं है कोई भी हथियार शामिल नहीं है सिर्फ प्रॉपर्टी देखिए उनकी है इतनी और अगर आप गहने सोने की बात करें तो कम से कम देखिए जो अमाउंट उन्होंने लिखा है तो वो है तकरीबन साठ लाख रुपए के गहने उनके पास इस वक्त हैं और यानी कि चौदह टोटल मिला के चौदह करोड़ रुपए लमसम में देखिए उनके पास उनकी संपत्ति उन्होंने दर्ज करा रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्योंकि देखिए सब हैरान है क्योंकि डिम्पल यादव की कोई कारोबार नहीं है डिम्पल यादव कोई नौकरी नहीं करती तो ये संपत्ति आखिर आई कहाँ से ये देखिए थोड़ा सा लोगों के मन में संशय बना था लेकिन फिर उसके बाद में सपा नेताओं ने साफ किया कि देखिए ये संपत्ति जो है वो मुलायम सिंह यादव के हवाले से दी गई है उनको गिफ्ट करी गई है और साथ ही साथ देखिए जब वो सांसद नहीं तो थी उससे पहले की देखिए उनके परिवार ने भी डिम्पल यादव को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रखी है और उन्होंने खुद बनाई भी थी तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर बड़े बड़े दावे लगाए जा रहे थे भाजपा काफी देखिए वो बोल रही थी डिम्पल यादव का अखिलेश यादव पर आरोप लगा रही कि देखे कई सौ करोड़ों की संपत्ति है लेकिन सिर्फ चौदह करोड़ की संपत्ति निकल गई लेकिन चौदह करोड़ भी देखे काफी बड़ा अमाउंट है छोटा मोटा अमाउंट है नहीं अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जो सपा है जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो मैनपुरी में, में देखे कैसा खेल खेलते हैं डिंपल यादव की जीत मैनपुरी में होगी या नहीं होगी यह देखने वाली बात होगी क्योंकि देखिए भाजपा भी एडी जोड़ एडी चोटी का जोर लगा रही है साथ ही साथ सपा ने देखिए डिंपल यादव का नाम डाला है तो ऐसा हो सकता है कि सपा की चीज यहाँ पे हो जाए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइक